दोस्तों सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि कब रखा जाएगा रामा एकादशी का व्रत, यानी शुभ मुहूर्त, पूजा महत्व, पूजा विधि। साथियों कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है। यह महीने भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस महीने में ही रामा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ये व्रत अक्टूबर महीने की अंतिम एकादशी होती है। रामा एकादशी के दिन विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि रामा एकादशी का व्रत रखने से साधक के सारे पाप कट जाते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। साथियों रामा एकादशी का व्रत हर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल इस तिथि की शुरुआत 27 अक्टूबर को सुबह 5:23 से शुरू होगी और इसका समापन 28 अक्टूबर को सुबह 10:31 पर होगा। ऐसे में रामा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। रामा एकादशी का व्रत इस साल 28 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:30 पर होगा। इस दिन सुबह 6:48 पर ब्रह्म योग का भी निर्माण हो रहा है। साथियों रामा एकादशी के व्रत का पारण 29 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। इस दिन पारण का समय सुबह 6:31 से सुबह 8:44 तक रहने वाला है। साथियों रामा एकादशी के सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण कर ले, उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान लगाकर व्रत करें। इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा को साफ चौकी पर स्थापित करें और धूप दीप पीला चंदन तुलसी दल अर्पित करें। पूजा के समय में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और रामा एकादशी के व्रत कथा का पाठ करें। कथा के बाद आरती करें और भोग लगाएं। साथियों शास्त्रों में कार्तिक मास की रामा एकादशी का बहुत खास महत्व है। इस दिन का व्रत रखने से ब्रह्म हत्या के दोष से भी छुटकारा पाया जा सकता है। इस एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और साधक को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साधक को सारे कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। उम्मीद है साथियों आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।